सत्यम न्यूज वेब टीवी पर अपने भदोही जिले की खबरें देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां हौसला बुलंद बदमाशों ने असलहे के बल पर 8 लाख के आभूषण लूटे हैं। देखिए भदोही जिले की आज की यह बड़ी खबर। भदोही जिले में दिन दहाड़े हौसला बुलंद बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर आभूषण व्यवसायी से जेवरातों से भरा बैग व नकदी लूटकर आराम से फरार हो गए। भदोही जिले में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। चोर उचक्के बदमाशों के हौसले भदोही जिले में पूरी तरह बुलंद हैं। चौरी थाना इलाके के भकोड़ा में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने असलहे के बल पर आभूषण व्यवसायी से जेवरात लूटकर फरार हो गए। चौरी थाना इलाके के समालकोट निवासी जय कुमार सेठ बाइक से अपने सोने चांदी की दुकान पलहिया जा रहे थे, तभी मानिकपुर उगापुर मार्ग के भकोड़ा के समीप 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने आभूषण व्यवसायी जय कुमार सेठ से असलहे की नोक पर जेवरातों से भरा बैग व 60,000 रुपया लूट कर फरार हो गए। जय कुमार सेठ के परिजनों के मुताबिक झोले में लगभग 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात मौजूद थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार आराम से निदुर बाजार से भुआ जाग होते हुए जोगीपुर धसकरी होते हुए रामरायपुर से भदोही शहर का बाईपास मार्ग पकड़कर फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद जनपद पुलिस के हाथ पांव फूल गए, साथ ही इलाके वासियों में हड़कंप मचा रहा। चौरी थाना इलाके के मानिकपुर उगापुर मार्ग के भकोड़ा गांव के समीप आभूषण व्यवसायी जय कुमार सेठ के साथ दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात की सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, क्राइम ब्रांच व चौरी पुलिस मौके पर पहुंची थी। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक पर सवार चारों बदमाश आराम से असलहा लहराते हुए फरार हो गए। जिस स्थान पर शनिवार को बदमाशों ने जय कुमार सेठ के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उसी स्थान पर पहले भी इन्हीं आभूषण व्यवसायियों के साथ लूट की घटना घटी है। शनिवार को जय कुमार सेठ अपने घर समालकोट से पलहिया अपने सोने चांदी की दुकान के लिए निकले थे। जैसे ही भकोड़ा गांव के समीप पहुंचे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने असलहे से आतंकित कर लगभग 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 60,000 रुपया लूट कर आराम से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की तलाश में जुटी हुई है। पिछले कुछ समय से भदोही जिले में आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैन स्नेचिंग, मोबाइल छिनैती सहित चोरी की बड़ी वारदातों से जनपद वासी काफी खौफ में हैं। पशु चोरों के भी हौसले बुलंद हैं। आए दिन पशु पालकों के मवेशियों को उठा रहे हैं, लेकिन जनपद पुलिस इन चोर उचक्कों व बदमाशों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। हर रोज हर दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से जनपद वासी सहमे हुए हैं तथा पुलिस से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अब भदोही जिले का कोई भी इलाका चोर उचक्कों व बदमाशों से महफूज नहीं रह गया है। चौरी इलाके के भकोड़ा गांव में आभूषण व्यवसायी के साथ हुई इस लूट की वारदात के बाद सर्राफा व्यवसायी पूरी तरह सहम गए हैं। आज मार्ग में घर से कुछ ज्वेलरी लेके अपनी दुकान पर जा रहा था, उसी समय रास्ते में 2 बाइक पे 4 बाइक सवार आए और उन्होंने उसको रोका और रोक के उसका कुछ कैश और ज्वेलरी लूटने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर आके जांच कर रही हैं और इसके अनावरण के लिए SOG सहित अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया जाएगा। भदोही जिले में कहां क्या हो रहा है, अपराधी कहां दे रहे हैं घटना को अंजाम, जिले की कौन सी है अहम खबर, भदोही जिले की हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।